There are five things that can rock any theory-based exam. Hello everyone, I am Tushika Rawat and I have made this YouTube channel 4 years back. In these 120 plus days, I have made 70 plus videos, have engaged 1 lakh plus audience on YouTube and simultaneously created an enormous WhatsApp community with 25 different colleges groups and claimed as best YouTube channel for engineering students by the top rankers of different colleges and universities. इस वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी के टॉप रैंकर्स आकर के अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मस्ट डू टॉपिक्स बुलाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं, जिसे हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बुलाते हैं। प्लस में आपको मिल रहे होंगे प्रो लेवल के नोट्स free in the description box and the links of the topic wise videos and previous year midterm exam paper. These are the top 5 things that any student can use to ace the exams. इस वीडियो में आपको सिलेबस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पढ़ाया जा रहा होगा, तो इफ यू आर समवन हु हैज नॉट स्टार्ट स्टडिंग येट, देन टेक इट एज अ सेवियर। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जस्ट रिवीजन पर्सपेक्टिव से आए हैं, तो टेक इट एज अ बून एंड जस्ट एस योर एग्जाम्स। द कॉन्टेंट ऑफ द वीडियो इज फाइनलाइज्ड बाई रिव्यूइंग द सिलेबस ऑफ मेनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स, हेंस आई कैन से दैट द वीडियोस कॉन्टेंट विल रिजेंबल योर कॉलेज एग्जाम्स टू। And now I want you to finish the video not like a movie but like a savior. So just go and grab your pens and notebooks back and get started with the video. Till then, enjoy the content. Hello everyone, welcome back to the channel. So I am Ananya and I'll be taking your applied chemistry. तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 फ्यूल्स, और फ्यूल्स को हम पूरा वन शॉट में कवर कर रहे होंगे, जिसके बाद मैं आपको मस्ट डू क्वेश्चंस भी बताऊंगी और मैं आपको साथ में ये भी बताती रहूंगी कि कौन से टॉपिक्स ऐसे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर गारंटीड क्वेश्चंस बनते ही हैं, और जितना भी FFT का मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो बिल्कुल सफिशियंट है, जितने भी आपको मस्ट डू टॉपिक्स बताए गए और मस्ट डू क्वेश्चंस बताए गए, उससे बाहर ज्यादातर एक्सपेक्टेड नहीं ही होता है। तो अब हम इसको जल्दी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्यूल्स एंड कंबशन, ये देखो सबसे पहले सब टॉपिक्स देख लो। फ्यूल्स आएंगे, फ्यूल्स की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैलोरीफिक वैल्यू, GCV, NCV, बॉम कैलोरीमीटर, बॉयज कैलोरीमीटर, कोल का क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, प्रॉक्सिमेट, अल्टीमेट एनालिसिस, कार्बनाइजेशन का प्रोसेस जिसमें ऑटो हॉफमैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद लिक्विड फ्यूल्स और गैशियस फ्यूल्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्यूल क्या होता है। फ्यूल आपका एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो जिसके अंदर कार्बन जो है मेन कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होता है, और जिसकी बर्निंग के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। फ्यूल्स के अंदर आपके आ जाता है वुड, केरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स पे। ब्रॉडली फ्यूल्स को क्लासिफाई किया गया प्राइमरी फ्यूल्स एंड सेकेंडरी फ्यूल्स। प्राइमरी फ्यूल्स यानी जो नेचर में अकर होते हैं, एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, और सेकेंडरी फ्यूल्स ऐसे जो कि प्राइमरी फ्यूल्स पर डिपेंड करते हैं और प्राइमरी फ्यूल से ही डिराइव किए गए हैं, ठीक है। इनका फर्दर सॉलिड, लिक्विड, गैस में ही क्लासिफिकेशन है जिसको आप देख सकते हो आप। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स, यहाँ पे मैंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए, मिनिमम 5 तो आपको पता ही होनी चाहिए कि भाई एक गुड फ्यूल को या एक आइडियल फ्यूल के लिए क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उसको अच्छा बनाती है, यानी हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, हमारी जो यूज है फ्यूल को लेकर उसके हिसाब से उसको बेटर बनाती है। इसमें आता है आपका फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है वो भी मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको। उसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट कम से कम हो, और आपको बल्क में मिले यानी कम कॉस्ट में ज्यादा अमाउंट मिल रही है। शुड नॉट बर्न स्पॉन्टेनियसली, यानी कि आपने फ्यूल को रखा और वो इंस्टेंटली बर्न हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं हो पाता। फ्यूल शुड बर्न एफिशियंटली, यानी कि वो हैजार्डियस मटेरियल्स को रिलीज ना करे और उसकी हैंडलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, तभी तो प्रेफर किया जाएगा उस फ्यूल को। राइट, नाउ कैलोरीफिक वैल्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना कि इसकी क्या डेफिनेशन है। कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली आपकी टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न कम्प्लीटली, यानी कि एक यूनिट मास ऑफ फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं कम्प्लीटली तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगी आपकी, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको आप मेजर करते हो कैलोरीज, किलो कैलोरीज में, BTU में, या
वेट अ सेकेंड, हाँ बीटीयू में. नाउ नेक्स्ट आपका आता है एचसीवी एंड एलसीवी. एचसीवी और एलसीवी में भी डिफरेंस आ जाता है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पस. एचसीवी होती है आपकी हायर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, वो होती है आपकी यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन यूनिट मास ऑफ फ्यूल हैज बीन बर्न्ड. अब आपका कैलोरीफिक वैल्यू क्या थी, कितनी अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न किया गया, यूनिट मास ऑफ फ्यूल को बर्न किया गया तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई. तो जब ये बर्न हुआ has been burned completely and products of combustion have been cooled down to room temperature. तो burning के बाद जितने भी products हैं combustion के जो निकले उनको हमने allow किया to cool down at the room temperature is your GCV या HCV. GCV and HCV is one of the same thing. कुछ भी आ जाए don't get confused. GCV and HCV same thing and NCV and LCV is the same thing. NCV आती है आपकी नेट कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ नेट हीट प्रोड्यूस हुई जब यूनिट मास ऑफ फ्यूल बर्न कंप्लीटली एंड द प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू एस्केप. GCV में क्या आता है, द प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू कूल डाउन एट रूम टेम्परेचर. एंड LCV में क्या है, द प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू एस्केप. ठीक है, अब इनके बीच में फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला होता है आपका NCV इज इक्वल टू GCV माइनस 0.09 इंटू H into 587. It's also written here, highlight भी किया हुआ है मैंने कि आपको अगर मान लो एक चीज गिवन है, NCV गिवन है या फिर GCV गिवन है तो आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज बॉर्न कैलोरीमीटर. बॉर्न कैलोरीमीटर कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है. बेसिकली बॉर्न कैलोरीमीटर से सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव होती है. तो बेसिकली अब हम कैलोरीफिक वैल्यू को ही डिराइव करें या तो वो एक्सपेरिमेंटली होती है या थ्योरेटिकल फॉर्मूला से होती है. जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला होता है वो आपका डिलोंग्स फॉर्मूला होता है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो आती है बॉर्न कैलोरीमीटर से या दूसरा हम पढ़ते हैं बॉयज कैलोरीमीटर को. बॉर्न होती है फॉर योर सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स. ये देखो अब इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए एंड दिस डायग्राम. डायग्राम में आपको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, वेट अ सेकेंड. ये देखो इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले क्या होता है, ये अंदर की तरफ मैग्नीशियम फ्यूज वायर लगा हुआ है सबसे ज्यादा और ये पूरी की पूरी एक कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर रखा हुआ स्टेनलेस स्टील बॉब रखा हुआ है जिसके अंदर आपका यहाँ एक बेकमैन का थर्मामीटर लगा होता है और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टिरर होता है विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी. स्टेनलेस स्टील क्रूसिबल है और यहाँ पे आपका जो सैंपल ऑफ फ्यूल है उसको वे किया जाता है यानी उसका वेट किया जाता है. मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ताकि इजीली आपको देख पाए डायग्राम. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या आता है यानी एचसीवी निकालने का क्या फॉर्मूला निकल के आता है. एचसीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय टी टू माइनस टी वन अपॉन में एक्स. अब क्या है ये डब्ल्यू और डब्ल्यू, W बेसिकली जो बिगर W है वो रिप्रेजेंट करता है एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है. जो बड़ा वाला है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितना मास ऑफ वाटर टेकन है. स्मॉल W इज फॉर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर. फिर T2 माइनस T1 होता है टेम्परेचर का डिफरेंस यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. फिर आप HCV की वैल्यू से निकालते हो. HCV एक बार आ गया तो फिर NCV भी निकालना दे देंगे, उसमें वही फॉर्मुला यूज करना है. NCV इज इक्वल टू GCV माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाय H अभी जो लास्ट स्लाइड में पड़ा इंटू 587. या तो आ जाएगा न्यूमेरिकल बॉर्न कैलोरीमीटर के ऊपर. न्यूमेरिकल नहीं आता है तो ऐसा हो सकता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको दे दें कि इसके डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, यू कैन गिव इट अ रीड. ठीक है, फिर आती है करेक्शन. सब कुछ करेक्शन भी होती है, जब भी कोई हीटिंग का या कोई प्रोसेस होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां भी होती है जिसकी करेक्शन होती है. ये 3 मेजर करेक्शन मेंशन है, एक आपकी फ्यूज वायर करेक्शन, कूलिंग करेक्शन और एसिड करेक्शन. यानी कि फ्यूज वायर करेक्शन होती है मैग्नीशियम वायर की वजह से, जो आपका मैग्नीशियम वायर है उसकी बर्निंग की उससे फ्यूज वायर करेक्शन होती है. फिर आपकी जो हीटिंग हो रही है कूलिंग करेक्शन होगी और एसिड करेक्शन होती है. अब देखो इसके बाद ये सारी करेक्शंस के बाद जो फाइनल फॉर्मूला बनता है फॉर बॉर्न कैलोरीमीटर वो आता है आपका जीसीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू टी टू माइनस टी वन प्लस योर कूलिंग करेक्शन माइनस योर एसिड करेक्शन प्लस फ्यूज वायर करेक्शन एंड अगेन डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द फ्यूल एक्स. तो इसके अंदर सिर्फ आपकी कूलिंग करेक्शन एड होती है, एसिड और फ्यूज वायर दोनों ही सब्ट्रैक्ट होती है, बाहर सब्ट्रैक्शन का साइन है. ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेंगे. नेक्स्ट है बॉयज कैलोरीमीटर. बॉयज कैलोरीमीटर होता है कैलोरीफिक वैल्यू गैशियस और वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल्स की. वो सॉलिड फ्यूल्स के लिए था
और ये वाला गैसेस और लिक्विड फ्यूम्स के लिए है, इसका भी सेम प्रिंसिपल है. द प्रिंसिपल इज द हीट रिलीज्ड हीट इज क्वालिटेटिवली एब्जॉर्ब बाय कूलिंग वाटर. द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड. कैलोरीफिक वैल्यू इज देन कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस डाटा. यानी कि कितनी आपकी हीट जनरेट हुई, दैट इज इक्वल टू द हीट यूटिलाइज्ड. नेक्स्ट आपके आती है इसके अंदर आप कैलकुलेशन, और ये रहा इसका डायग्राम. अंदर से ये कॉलिंग होती है इसके अंदर. इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे. अंदर से कूलिंग होती है. यहाँ पे आपका वाटर इनलेट है. पूरा का पूरा कंटेनर जो है वो इंसुलेटेड होता है. नीचे से गैसेस और लिक्विड फ्यूल्स की एंट्री है. यहाँ पे इसको हमने बर्निंग के लिए लगाया हुआ है. कंडेंस स्टीम जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होके वापस आएगी. और यहाँ पे कॉपर का कॉइल है, आउटर कॉपर कॉइल है. ये आपकी रबर ट्यूबिंग है. यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती है. तो ये पूरा डायग्राम है. लेट मी जस्ट इरेज इट. ठीक है, क्लियरली देख लो इसको. अब इसका जो फॉर्मूला आता है, जो इसका प्रिंसिपल था, जैसे कि मैंने बताया था, इसका प्रिंसिपल था हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट के. कितनी हीट गेन हुई वो उसके हीट लॉस्ट के इक्वल होता है. दिस इज द मेन प्रिंसिपल. नाउ इट्स फॉर्मूला कम्स आउट टू बी GCV इज इक्वल टू सी, और GCV सेम ओनली W मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1 अपॉन में V. V आता है वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न, W इज योर वेट ऑफ वाटर, एंड T2 माइनस T1 इज कितना राइज ऑफ टेम्परेचर हुआ. नाउ दिस वॉज योर बॉम कैलोरीमीटर एंड बॉयज कैलोरीमीटर. दोनों का मैं इंपॉर्टेंटली बताऊंगी. अच्छे से फॉर्मूला याद कर लेना. फॉर्मूला याद करने के बाद दोनों के डायग्राम्स बहुत अच्छे से कर लेना, जिससे कि प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में मैंने सिर्फ 3-4 लाइन्स लिखी हुई है, उन 3-4 लाइन्स को ढंग से पढ़ लेना. अपने लैंग्वेज में भी लिख दोगे तो भी अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, अब आती है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन. थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए है हमारा डुलोंग फॉर्मूला. हो सकता है बॉम या बॉयज से कुछ भी ना आए और सीधा डुलोंग फॉर्मूला के ऊपर एक न्यूमेरिकल आ जाए. डुलोंग फॉर्मूला होता है आपका थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने के लिए, और ये फॉर्मूला आपका बनता है HCV या फिर GCV इज इक्वल टू 1/100 इंटू 8080 कार्बन प्लस 34500 हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बाय 8 प्लस 2240 सल्फर. ठीक है, तो ये जिसके अंदर जो आपका सी है वो स्टैंड करता है कार्बन के लिए, एच इज फॉर हाइड्रोजन, ओ ऑक्सीजन एंड एस सल्फर. की परसेंटेजेस गिवन होंगी एंड देन आपको वैल्यूज पुट करनी होंगी. अब आ जाते हैं हम सॉलिड फ्यूल्स के ऊपर. सॉलिड फ्यूल्स में आपका सबसे पहले है कोल. कोल जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, और कोल जो है उसको क्लासिफाई किया गया उसकी सीरीज में वुड, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. इसमें इंपॉर्टेंट है एनालिसिस ऑफ कोल, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस. देखो प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट एनालिसिस किसको इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स द डिटरमिनेशन ऑफ मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर, एश एंड फिक्स्ड कार्बन. तो चार चीजें निकाल सकते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से, यानी कि कोल का मॉइस्चर, उसका वॉलेटाइल मैटर, एश और फिक्स्ड कार्बन. अल्टीमेट एनालिसिस आपकी डिटरमाइन करती है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इस सबकी वैल्यू. अब देखो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के क्या क्या फॉर्मूलाज है. सबसे पहले गिवन है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर पूछिए, यानी कि लॉस इन वेट अपॉन में वेट ऑफ कोल टेकन मल्टीप्लाइड बाय 100. देन वॉलेटाइल मैटर, देखो मॉइस्चर के लिए टेम्परेचर होता है आपका 105 to 110 डिग्री सेल्सियस. वही वॉलेटाइल मैटर के लिए देखो टेम्परेचर बढ़ गया है 925 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस. परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर कितनी आती है आपकी, लॉस इन वेट कितना हुआ अपॉन में वेट ऑफ सैंपल, कोल सैंपल टेकन मल्टीप्लाइड बाय 100. नेक्स्ट है आपका ऐश. ऐश में आता है आपका 700 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर लिया जाता है. उसका कितना था पहले, 105 to 110 था, फिर 925 था, अब इसका 700 है. यानी फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट द सेम, वेट ऑफ ऐश लेफ्ट अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन. नीचे हमेशा वेट ऑफ कोल टेकन, इसमें लॉस इन वेट कितना हुआ, इसमें लॉस इन वेट वॉलेटाइल मैटर की वजह से कितना हुआ, इसके अंदर वेट ऑफ ऐश कितना बच गया. फिक्स कार्बन कैसे निकलेगा, जितनी भी आपने निकाली है मॉइस्चर की, वॉलेटाइल मैटर की, ऐश की, उसको 100 में से माइनस कर दो, वो आपका फिक्स कार्बन की वैल्यू दे देगा. ठीक है, और हमेशा फिक्स्ड कार्बन, यानी फिक्स्ड कार्बन की जो वैल्यू है वो ज्यादा ही होनी चाहिए, वही फ्यूल को और ज्यादा डिजायरेबल बनाता है. नाउ नेक्स्ट इज अल्टीमेट एनालिसिस. अल्टीमेट एनालिसिस में सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए कि इंक्रीज इन वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ट्यूब इंटू 12 × 100 / 44. देखो इसको फॉर्मूला को कैसे याद करते हैं, देखो मैं यहां लिख रही हूं परसेंटेज ऑफ कार्बन. Percentage of carbon is equal to increase in weight. इसके लिए आई लिख लो किसका वेट, KOH का, मल्टीप्लाइड बाय 12/44 × 100, और यहां पूरे में क्या आता है साथ में, वेट ऑफ कोल, कि कितना कोल लिया है.
सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए सेम है, बस ये वेट यहाँ लिया जाता है CaCl2 का और यहाँ आ जाता है 2/18। फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए है आपका, फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वी हैव वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मैलिटी इनटू 1.4 अपॉन में वेट ऑफ कोल टेकन। नेक्स्ट आता है आपका सल्फर का। सल्फर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सल्फर की डिटरमाइन होती है वेट ऑफ BaSO4, BaSO4 मल्टीप्लाइड बाय 32/233 इनटू 100 अपॉन में वेट ऑफ होल सैंपल टेकन। आज डिटरमिनेशन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में ही करनी थी, परसेंटेज ऑफ ऐश लेफ्ट अपॉन में वेट ऑफ होल टेकन मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑक्सीजन अब क्या होता है, 100 में से माइनस करना है जितनी भी आई आपकी कार्बन की, हाइड्रोजन की, सल्फर की, नाइट्रोजन की और ऐश की। ठीक है, ये आ गई आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो ये थे दोनों प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट एनालिसिस। नाउ कोल वर्सेस कोक इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। कोल वर्सेस कोक भी बहुत जरूरी है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोल इन 2.5 में ऐसे चांसेस हैं इसके आने के, जो 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसके अंदर, कि कोल को क्यों प्रेफर, कोक को क्यों प्रेफर किया जाता है कोल की जगह पे, और कोल और कोक में क्या डिफरेंस है। तो तीन पॉइंट्स तो मैंने यहाँ बताए हैं स्टार्टिंग के, जो कि बताते हैं आपको कि हम कोक को क्यों प्रेफर करते हैं। देखो, कोल जो है वो इतनी मैकेनिक, इतनी स्ट्रेंथ ऑफर नहीं करता, इतनी पोरोसिटी भी ऑफर नहीं करता जितनी कोक करता है। कोक एक शॉर्ट फ्लेम के साथ बर्न होता है और कोकिंग की वजह से जितना भी अनडिजायरेबल सल्फर है वो रिमूव हो जाता है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं था, और यही रीजन है कि कोक है वो प्रेफर किया जाता है कोल की जगह। अब इनमें डिफरेंस क्या है, कोल जो है वो डिकेइंग मटीरियल से बनता है, वही कोक जो है वो कोल की हीटिंग से बनता है, जब कोल की हीटिंग की जाए इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। ये प्रॉपर डिफरेंस के लिए यहाँ मैंने अटैचमेंट अटैच की है। कोल के पास लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट हैज मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लेस कैलोरीफिक वैल्यू एंड मोर कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं आपके टाइप्स ऑफ कोल। कोल्स को बेसिकली क्लासिफाई किया गया है केकिंग, नॉन केकिंग। केकिंग यानी कि एबिलिटी ऑफ कोल टू स्वेल एंड मेल्ट ऑन बीइंग हीटेड, यानी कि जब भी हीट प्रोवाइड की जाए तो वो स्वेल होके मेल्ट हो जाए और एक कोहरेंट रेजिड्यू बना ले, यानी एक सॉलिड मास बना ले। भाई नॉन कोकिंग क्या होते हैं, वो एक मास नहीं बनाते, सिर्फ और सिर्फ बिटुमिनस कोल ही है जो कि कोक किया जा सकता है। केकिंग के अंदर अब दो और आते हैं, कोकिंग और नॉन कोकिंग। कोकिंग यानी कि जो रेसिड्यू है वो पोरस है और हार्ड है और मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए यूज किया जा सकता है। भाई नॉन कोकिंग के पास होता है इमेच्योर कोल बनता है, नॉन कोहरेंट मास, यानी जो कि मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए भी यूज नहीं कर सकते। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन इज योर मैन्युफैक्चर ऑफ मेटलर्जिकल कोक बाय ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट, यानी कि अब कोल से ये कोक डिराइव कैसे हो रहा है, वो जो मेन प्रोसेस है ऑटो हॉफमैन का वो यहाँ पे बताया गया है। जो कोल है उसकी टू इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्बनाइजेशन प्रोसेस एंड रिकवर वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट। ऑटो हॉफमैन ने एक बाय प्रोडक्ट कोक अवन डेवलप किया, जिसकी जिसको हीट करने के बाद हम कोल गैस से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोक प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो इसके अंदर आपका अवन है उसमें बहुत सारे नैरो सिलिका चैम्बर्स होते हैं, हर चैम्बर के पास एक चार्जिंग होल है, गैस ऑफ है और एक रिफ्रैक्टरी लाइट कास्ट आयरन डोर है जिससे आप कोक का डिस्चार्ज देख पाते हो। एक चार्ज कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली कर, ये सारा जितनी भी थ्योरी है ना इसको आप लोग रीड कर लोगे जिससे आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे सीधा डायग्राम दिखाऊंगी आपको, ये रहा आपका डायग्राम। डायग्राम के अंदर देखो, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से एयर एंटर करती है, ठीक है, और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके रीजनरेटर्स हैं, इनसे पास करके गैस ऊपर की तरफ जाती है। ये थोड़ा सा इसके साथ टक हो गया डायग्राम। उसके बाद जो वेस्ट गैसेस है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, ठीक है, और जो कोल गैस है वो यहाँ से आउट होती है। फिर इसके अंदर यहाँ इन चैम्बर्स के अंदर आपका कोक बनता है, ये जो अंदर चैम्बर्स लगे हुए हैं, और इसमें रिकवरी भी हो जाती है बाय प्रोडक्ट्स की, ये रिकवरी का प्रोसेस है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें ना पूछे, सिर्फ ये पूछ ले कि ऑटो हॉफमैन का समझाओ, सिर्फ ऑटो हॉफमैन क्वेश्चन को एक तो ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछा है, ऑटो हॉफमैन पूछा है या रिकवरी पूछा है। ये भी पूछ सकते हैं कि ऑटो हॉफमैन जो प्रोसेस है उसके अंदर जो रिकवरी होती है प्रोडक्ट्स की उनके बारे में बताओ, तो ये रिकवरी के बारे में सिर्फ बताना है। दोनों अगर पूछा है, वैसे मिड सेम में दोनों का चांसेस कम रहता है, एंड सेम के अंदर दोनों के चांसेस हाई रहते हैं फॉर अ 8 मार्कर क्वेश्चन, बट हाँ आ सकते हैं दोनों भी, दोनों में से एक भी आए तो आपको तो प्रिपेयर करनी ही है। तो ये प्रॉपर डायग्राम है जो कि आपको बना के आना है, लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर, ये प्रॉपर डायग्राम है जो कि आपको बनाकर आना है। और ये देखो, ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि यहाँ पे मेंशन है, इसी हिसाब से आप इसको बारे में लिख के आ सकते हो।
अब जो कोक प्रोड्यूस हुआ है वो आपका हॉट कोक है, उस कोक का जो कूलिंग प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं क्वेंचिंग। क्वेंचिंग पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्वेंचिंग कौन सी प्रेफर की जाती है। दो क्वेंचिंग होती है, एक आपकी वेट क्वेंचिंग होती है और एक ड्राई क्वेंचिंग। ड्राई क्वेंचिंग ज्यादा एडवांटेजेस ऑफर करती है, इसलिए ड्राई क्वेंचिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो कोक बनता है वो स्ट्रांग होता है, डेंस होता है और कम रिएक्टिव होता है। इसमें जो रेड हॉट कोक है उसको हम एक चैम्बर में प्लेस करते हैं और कूल डाउन करते हैं इनर्ट गैसेस पास करके। जो हीटेड इनर्ट गैसेस है वो सर्कुलेट होती है बॉयलर्स के अंदर, जहां पे वो स्टीम जनरेट करती हैं। ये हो गया आपका ड्राई क्वेंचिंग का। ड्राई क्वेंचिंग जो है वो चीपर है, ड्रायर है और जो लेसर डस्ट है वेट क्वेंचिंग से प्रोड्यूस करती है। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं ड्राई क्वेंचिंग के ऊपर आपके वेट क्वेंचिंग के ऊपर। देखो रिकवरी ऑफ बाय प्रोडक्ट, रिकवरी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स में सबसे पहले रिकवरी होती है तार की। तार के ऊपर क्या डाला जाता है? लिक्विड अमोनिया स्प्रे किया जाता है। आप यहाँ पे बना के भी दिखा सकते हो ऐसे। इसके ऊपर क्या डाला जाता है? लिक्विड अमोनिया स्प्रे किया जाता है, अमोनिया स्प्रे किया जाता है। फिर रिकवरी ऑफ अमोनिया कैसे की जाती है? उसको पास कराया जाता है बेसिकली तार की रिकवरी के बाद अमोनिया की रिकवरी होती है, जिसके अंदर वाटर स्प्रे किया जाता है और अमोनिया जो है NH4OH के सॉल्यूशन में चला जाता है। फिर रिकवरी होती है नेफ्थलीन की, जिसके अंदर वाटर स्प्रे किया जाता है लो टेम्परेचर के ऊपर। फिर बेंजीन की, बेंजीन के अंदर क्या पेट्रोलियम स्प्रे किया जाता है। फिर रिकवरी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसके अंदर जो गैसेज है वो एक प्योरीफायर से पास होती है और प्योरीफायर को पैक किया जाता है Fe2O3 के साथ, जिसके अंदर H2S रिटेन होता है। तो क्या क्या हमने रिकवर किया? तार, अमोनिया, नेफ्थलीन, बेंजीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, पांच प्रोडक्ट्स रिकवर हो जाते हैं। और इन प्रोडक्ट्स में कैसे ही रिकवर हुए, इनको क्या स्प्रे करके रिकवर हुआ, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा सॉलिड फ्यूल्स वाइंड अप होता है। अब हम नेक्स्ट आएंगे लिक्विड फ्यूल्स के ऊपर। लिक्विड फ्यूल्स में सबसे पहले है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, जिसको हम डार्क ग्रीनिश ब्राउन या ब्लैक कलर्ड विशियस ऑयल भी बोलते हैं, और वो कहां मिलता है? डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि जो रिफाइनिंग प्लांट है जिनको ऑयल रिफाइनिंग बोलते हैं, इनके अंदर क्या जो है रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है? थ्री स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले होता है सेपरेशन ऑफ वाटर, जिसको बोला जाता है कॉटरेल्स प्रोसेस। एक्सप्लेन कॉटरेल्स प्रोसेस आ गया तो डोंट बी ब्लैंक उट की क्या पूछ लिया। कॉटरेल्स प्रोसेस इज योर सेपरेशन ऑफ वाटर प्रोसेस इन योर रिफाइनिंग पोर्शन, जिसके अंदर क्या किया जाता है? वाटर को रिमूव करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से, जिसमें जो क्रूड ऑयल है उसको अलाउ करते हैं। दो हाईली चार्ज इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, जिसके बीच से वाटर को पास कराया जाता है, बेसिकली आपके ऑयल को पास कराया जाता है, और लार्ज ड्रॉप्स के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है जो वाटर है ऑयल से। नेक्स्ट स्टेप होता है रिमूवल ऑफ हार्मफुल इंप्योरिटीज। अब वाटर हट गया तो हार्मफुल इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं, किसकी प्रेजेंस? जो आपका NaCl है और MgCl है, इनकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जो रिफाइनिंग इक्विपमेंट है वो कोरोड हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए इन सॉल्ट्स को हटाया जाता है, ताकि उसके बाद ही आपके ऑयल को यूज किया जा सके, यानी पेट्रोलियम को यूज किया जा सके। जो सल्फर कंपाउंड्स है वो प्रेजेंट होते हैं, उनको भी रिमूव किया जाता है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फाइड, विच इज देन रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। तो सेकंड प्रोसेस था रिमूवल ऑफ हार्मफुल इंप्योरिटीज का। अब थर्ड प्रोसेस आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके अंदर आपके जितने भी वॉलेटाइल सब्सटेंसेस है, यानी हॉट वेपर्स को पास कराते हैं एक टॉल सिलेंड्रिकल टावर से, ताकि हर ट्रे के अंदर एक स्मॉल चिमनी कवर्ड है एक लूज कैप से। देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, इसको प्रिपेयर करके जाना फॉर पेट्रोलियम। ये देखो इस डायग्राम को, यहाँ पे आती है आपकी, यहाँ से गैसेस, यहाँ से आपका हैवी ऑयल निकल जाता है। ये अंदर अंदर आपको अलग अलग चैम्बर्स बताए गए हैं, ट्रेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट चिमनी, डाउन स्पॉट, लूज कैप। यहाँ से आपका क्रूड ऑयल एंटर होता है, एंटर होने के बाद ही अलग अलग चैम्बर्स में घुसता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल ऑयल, केरोसिन, नेफ्था, गैसोलीन, पेट्रोलियम ईथर, ये प्रॉपर इसका डायग्राम बताया हुआ है आपको। ये देखो अब हम नेक्स्ट करेंगे क्रैकिंग के बारे में। क्रैकिंग क्या होती है? नाउ डीकम्पोजिशन ऑफ बिगर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर हाइड्रोकार्बन्स, यानी बड़े हाइड्रोकार्बन्स का, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स का सिंपलर हाइड्रोकार्बन्स में टूटना इज अ प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग, जिसके अंदर जो ऑप्टेन होता है उसकी हाईएस्ट डिमांड है एज अ मोटर फ्यूल, बट द यील्ड इज ओनली 20-30%। जो क्रैक गैसोलीन है वो बेटर इंजन परफॉर्मेंस देता है। दो टाइप की क्रैकिंग होती है, थर्मल क्रैकिंग एंड कैटलिटिक क्रैकिंग, इनमें डिफरेंस जरूर आ जाता है, तो अच्छे से करके जाना।
ये देखो डिफरेंस को, थर्मल क्रैकिंग में कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं होता, कैटलिटिक नाम से बताता है कैटलिस्ट यूज होता है जियोलाइट बॉक्साइट का। इसमें यील्ड ऑफ गैसोलीन 50-60% है, कैटलिस्ट के अंदर 70% से भी ज्यादा है। ऑक्टेन रेटिंग 70, ऑक्टेन रेटिंग 85, ऑक्टेन रेटिंग अभी हम नीचे पढ़ रहे होंगे। हाई टेम्परेचर प्रेशर यूज होता है इसमें, लो टेम्परेचर प्रेशर यूज होता है। चारों के चारों पॉइंट अच्छे से मदअप करके चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड बेड वर्सेस मूविंग बेड कैटलिटिक क्रैकिंग, जिसके अंदर आपके कैटलिस्ट जो है वो जेनरेट्स के फॉर्म में निकलता है, इसमें पाउडर के फॉर्म में आता है। कैटलिस्ट जो है फिक्स्ड बेड में बनता है, इसके अंदर सर्कुलेटिंग गैस स्ट्रीम होती है, रीजेनरेटिंग चैम्बर प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे रीजेनरेटिंग चैम्बर होता है। ये जो प्रोसेस है ये 10-11 घंटे बाद स्टॉप हो जाता है, वही मूविंग बेड वाला जो है आपका वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। कैटलिस्ट जो है वो आउटसाइड अपैरेटस जेनरेट होता है, इसके अंदर कैटलिस्ट साइड बाय साइड अपैरेटस के अंदर ही जेनरेट होता रहता है। दोनों के डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना, फिक्स बेड मूविंग बेड का और थर्मल और कैटलिटिक का। नेक्स्ट आता है अब आपका नॉकिंग। नॉकिंग के अंदर डिफाइंड होता है एक शार्प मेटलिक साउंड, यानी कि जैसे रैटलिंग ऑफ हैमर्स, यानी कि जो शार्प मेटल की साउंड आती है उसको बोलते हैं नॉकिंग, जो कि आपके इंजन के अंदर प्रोड्यूस हुई होती है। नॉकिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर नॉकिंग हाई होती है तो पिस्टन को ब्रेक कर सकती है, नॉकिंग की वजह से इंजन की नॉइज बढ़ती है और इंजन जो है उसमें वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस होती हैं, पावर आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, एफिशिएंसी जो है मशीन की वो भी डिक्रीज होने लगती है। नॉकिंग की डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए कि वो शार्प मेटलिक साउंड की, एंड एंटी नॉकिंग एजेंट्स होते हैं, यानी ऐसे एजेंट्स जो कि ऐड किए जाते हैं ताकि जो नॉकिंग है उसको कम किया जा सके। एंटी नॉकिंग एजेंट्स स्मॉल क्वांटिटीज में ऐड किए जाते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट्स के नाम ढंग से पढ़ लेना, TEL, टेट्राइथाइल लीड, बेंजोल एंड मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर MTBE, TEL, MTBE, बेंजोल, तीन एंटी नॉकिंग एजेंट्स है। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन नंबर जो है वो आपको बेसिकली डिफाइन करना है, सीधा डिफाइन आएगा या डिफरेंस आएगा, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन, यानी आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन के मिक्सचर में आइसो ऑक्टेन की कितनी परसेंटेज प्रेजेंस है वो आपको ऑक्टेन नंबर बताता है। सीटे नंबर क्या बताता है, अब सीटे नंबर होता है परसेंटेज ऑफ हेक्साडेकेन प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ हेक्साडेकेन एंड टू मिथाइल नेफ्थलीन, यानी कि हेक्साडेकेन कितना प्रेजेंट है किसके मिक्सचर में, हेक्साडेकेन के और टू मिथाइल नेफ्थलीन के, इन दोनों के मिक्सचर में। अब सीटे नंबर जो किस ऑर्डर में डिक्रीज होता है वो यहाँ पे बताया है, एल्केन्स का सबसे, फिर साइक्लो एल्केन्स, फिर एल्कीन्स, ब्रांच एल्केन्स, एरोमेटिक्स। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट डोप्स, यानी कि बेसिकली जो सीटे नंबर है डीजल ऑयल का कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिटिंग एडिटिव्स, यानी कि सीटे नंबर को बढ़ाया जा सकता है क्या ऐड करके, कुछ एडिटिव्स ऐड करके जिनको हम डोप्स बोलते हैं। डोप्स का नाम भी बताया है आपको, पूछा जा सकता है कि टेल सम नेम्स ऑफ डोप्स, इथाइल नाइट्रेट, आइसोमाइल नाइट्रेट। इसी के साथ लिक्विड फ्यूल्स भी ओवर होता है हमारा। लास्ट अब हमारे आ जाते हैं गैसियस फ्यूल्स, जिसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बट स्टिल सीएनजी, एनजी और डीजल, इनके वाटर गैस आपकी जो है इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेचुरल गैस जो है वो वेल डग जो होते हैं ऑयल बेरिंग रीजन से, वहां से निकाली जाती है पेट्रोलियम ऑयल वेल से, जिसको हम वेट गैस भी बोलते हैं। फिर दूसरी आती है आपकी सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि कंप्रेस्ड होती है, ऐसी नेचुरल गैस जो कि कंप्रेस्ड है। प्राइमरी कंपोनेंट होता है इसका मीथेन और नेचुरल गैस से ही डिराइव्ड है, इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं एलएनजी की तरह या फिर सीएनजी। डिजाइन नेचुरल गैस इंजन में टेक अ हायर आउटपुट बिकॉज ऑक्टेन नंबर ऑफ नेचुरल गैस इज हायर, तो जो ऑक्टेन नंबर है इसका हायर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पेट्रोल। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सीएनजी, सीएनजी चीपेस्ट है, क्लीनेस्ट है, बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। व्हीकल्स जो है जिनमें सीएनजी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड कम प्रोड्यूस करती है, एक्सपेंसिव भी कम है पेट्रोल और डीजल से। देन नेक्स्ट आती है आपकी एलपीजी, जो कि आपके घरों में भी यूज की जाती है, are added to give warning of gas leakage। LPG जो है वो supply की जाती है under pressure, और किस name के under मिलती है, Indane, भारत गैस, ये सारी। फिर next आपकी है producer gas। producer gas जो है वो एक mixture है combustible gases का, जिसके अंदर आपकी नॉन कम्बस्टेबल गैस और कम्बस्टेबल गैसेस दोनों मिली होती है। कैसे प्रिपेयर की जाती है, by passing air mixed with little steam, इससे आपकी प्रोड्यूसर गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आती है कोल गैस। कोल गैस आपकी एक कलरलेस गैस है, जिसका एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग सी ओडोर होती है, स्मेल होती है, विच इज लाइटर देन एयर एंड बर्न्स विद अ लॉन्ग स्मोकी फ्लेम, ऑब्टेन व्हेन कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। देन नेक्स्ट आती है वाटर गैस, जो की एक ब्लू फ्लेम से बर्न होती है और उसको ब्लू गैस भी बोला जाता है। ये एक मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का, जिसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ नॉन कम्बस्टेबल गैसेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट लास्ट है आपकी ऑयल गैस, जो कि कैसे ऑब्टेन होती है, बाय क्रैकिंग ऑफ केरोसिन ऑयल।
और एक लेबोरेटरी गैस के फॉर्म में भी यूज की जाती है। ऑल्सो ये एक वाटर की कैलोरीफिक वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज की जाती है। तो ये थी हमारे सारे गैसियस फ्यूल्स। इसी के साथ हमारा वन शॉट पूरा कंप्लीट होता है। अब मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देती हूँ, ये मैं पीडीएफ जरूर शेयर कर दिया होगा स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, वहां पे आप जरूर चेक करना। अब इसमें मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ मस्ट डू क्वेश्चंस। मस्ट डू क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को बिना किए मत जाना। आई वुड रिक्वेस्ट यू, जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इट इज मोर देन सफिशियंट, बहुत बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जितने भी क्वेश्चंस है मस्ट डू क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स आपको हमारे पीडीएफ के अंदर ही मिल जाएंगे। उन्हीं को आप यूज करके ना आंसर फ्रेमिंग करो एंड इन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से करके जाओ। देखो यहाँ पे मार्किंग भी दी हुई है कि कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले डिफाइन करो सीटेन और ऑक्टेन नंबर को, मैंने पहले ही बता दिया था किस पे आ सकता है सीटेन नंबर ऑक्टेन नंबर, इसको किस तरीके से पूछ सकते हैं या इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। फिर प्रोड्यूसर गैस वाटर गैस में क्या डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेट अल्टीमेट एनालिसिस, सारे के सारे फॉर्मुला ढंग से कर लेना। हाउ इज स्कोप मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑटो हॉफमैन, इसके अंदर अब देखो सिर्फ मैन्युफैक्चर पूछा है, रिकवरी के बारे में बात नहीं है, तो यू नो नीड टू डू इट क्योंकि 6.5 का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट अल्टीमेट भी पूछ लिया और वो भी पूछ लिया, तो रिकवरी की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब ये देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है किसका क्वेश्चन है, एस्टिमेट द क्वालिटी ऑफ मिनिमम एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, फाइंड द कंबशन ऑफ ड्राई फ्लू गैस इफ 40% एक्सेस एयर इज रिक्वायर्ड। अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है डोलॉन्ग्स फॉर्मूला के ऊपर, जिसको आपको प्रॉपरली करके जाना है। फिर आता है बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैसे फाइंड करते हैं, उसके प्रिंसिपल के बारे में बताओ, या फिर आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर को एक नीट डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। अब ये एक न्यूमेरिकल फिर से दिया है, एचसीवी पे फाइंड करना, थर्मल क्रैकिंग क्या होती है, एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है, कंपोजिशन कैसे निकालोगे जितने फॉर्मुलाज मैंने बताए, कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करोगे बॉयज गैस कैलोरीमीटर से या फिर कैलोरीफिक वैल्यू, वही सेम क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज है बस। फिर आपको ये नाइट्रोजन के ऊपर है, ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का जो फॉर्मूला था ना हमारा, वो नॉर्मैलिटी वाला परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो हम उसमें निकाल रहे थे आपके अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर। फिर सिंथेटिक पेट्रोल क्या होता है, एचसीवी जीसीवी, इसके सारे आंसर्स आपको ऊपर पीडीएफ में ही मिल जाएंगे। स्वीटिंग ऑफ पेट्रोल क्या होती है, जीसीवी एनसीवी का ये डाटा गिवन है, तो उससे आपको निकालनी है जीसीवी और एनसीवी की वैल्यू, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स का मैंने बता दिया, डोलॉन्ग्स फॉर्मूला से आ जाएगा, अल्टीमेट प्रॉक्सिमेट से आ जाएगा, या फिर आपका बॉयज या बॉम्ब कैलोरीमीटर से आएगा, या फिर जो है आपका बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दिए कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका या बॉम्ब या बॉयज से होगा या फिर आपका ऑटो हॉफमैन का लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अप्रोक्सीमेट अल्टीमेट को भी एक्सप्लेन करना आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को 2.5 या 3 मार्क्स का ही रखेंगे, उससे ऊपर का रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, इनको ढंग से कर लेना, जितना भी मैंने बताया है वन शॉट में उसको ढंग से एक बार पेपर से पहले दोबारा देख के चले जाना। अभी तो एक बार आप देख ही लोगे जैसे ही अपलोड हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम से पहले भी एक बार देख लेना, बेशक फास्ट स्पीड करके देख लेना। मस्ट डू क्वेश्चंस ढंग से कर लेना, मस्ट डू क्वेश्चंस के सारे आंसर्स ऊपर पीडीएफ में दिए हुए हैं, पीडीएफ को ढंग से पढ़ के जाना, जो जो मैंने डायग्राम बताए हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर बॉयज कैलोरीमीटर वो अच्छे से कर लेना, पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी बताया है हमने केमिस्ट्री के लिए दिस इज मोर देन एनफ। ठीक है, सो अब नेक्स्ट मैं आपकी वन शॉट आई विल बी अपलोडिंग फॉर यूनिट 2, सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट।